मोगी भाई, क्लैन वॉर लीग का क्या हाल चल रहा है वो बता दो। वर्ल्ड से हम नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए। अब मैं आपको क्लैन वॉर लीग का भी हालात दिखा देता हूँ, समझा देता हूँ, बता देता हूँ। और साथ ही साथ भाई, जैसे ही इवेंट पास आएगा, इवेंट पास का गिव अवे भी होगा, इंस्टाग्राम पे होगा तो फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और राव मोगेम्बो नाम से आप सर्च भी कर सकते हैं। और भाई, अब चलते सीधा CWL की जूता बजाओ प्रतियोगिता में। लो जी गाइस, CWL के हालात देख लो। नंबर 6 पे चल रहे हैं फिलहाल हम, क्योंकि अभी हमने अटैक नहीं करे हैं। और रैंक 1 चल रहा है ये वाला क्लैन, 44 44 44 44 43, बहुत ही गंदा धोरा भाई ये वाला क्लैन जो रैंक 1 पे चल रहा है। और हम चल रहे हैं रैंक 3 पे, 2 मैच हम हारे हैं, तीसरा मैच हमारा ये चल रहा है, मतलब छठा मैच चल रहा है, पर 2 मैच आ रहे हैं यहाँ तक हम। 38 स्टार मारे इन्होंने, हमने 4 अटैक में 11 स्टार मारे हैं, 39 स्टार मारने जीतने के लिए पिटाई शुरू करते हैं इनकी भाई। पिटाई का जिम्मा सबसे पहले मैंने ले लिया और अपोनेंट के रैंक 1 बेस को पकड़ लिया है। आजकल मैं रूट राइडर स्पेल वाली, रूट स्पेल वाली आर्मी पे शिफ्ट हो गया हूँ। बढ़िया आर्मी है ये भी, पर कई बार 1 स्टार करा देती है। जहां पे रूट राइडर बैन होते हैं वहां पे हम इलेक्ट्रो ड्रैगन निकाल लेते हैं। कुछ टूर्नामेंट ऐसे हैं जहां पे रूट राइडर्स बैन है। फिलहाल यहां पे TH को टेक डाउन करना है। 3 आइस गोलम्स आ गए हैं, वेरी परेशान करेंगे। रूट स्पेल से जमा दिया है बेस को, फ्रीज लगा दिया स्कैटर पे, एक स्केलेटन लगाई है दूसरे स्केटर पे। रेज लगा के आर्मी को उस जंजाल में से बाहर निकालना होगा। पैका भी घूम रहे हैं बाहर की तरफ, अटैक स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है इस अभी तक। तो लग रहा है कि खरपतवार उजड़ जाएगी अपोनेंट की, पर मेरे रूट राइडर मर गए और किंग फंस गया है यहां पे, वो भी एबिलिटी के साथ। चलो, दीवार टूट गई है, एक फ्रीज लगा ही देते हैं यहां पे। लो जी, टन टन टन, धन धना धन धन, 1.5 मिनट के अंदर बुझ गई है इसकी 32 सनम। बड़ा फास्ट अटैक है यार ये वाला। मेरे को लगता था कि ओवर ग्रोथ टाइम लेगा, पर ये तो ज्यादा ही रफ्तार से जा रहा है। आर्क भाई साहब आ चुके हैं अगले अटैक के लिए, ये भी लाए हैं हील वाला रूट राइडर। हम लाए थे रूट स्पेल वाला रूट राइडर, ये लाए हैं हील स्पेल वाला रूट राइडर। शायद क्वीन कंपार्टमेंट में से आर्मी को एंटर कराना चाहते हैं। फनलिंग का काम चल रहा है यहाँ पे, 2 स्केलेटन भी लाए हैं, क्वीन उतार दी है, रूट राइडर्स आ गए हैं, एक स्केलेटन लगा दिए मोनोलिथ के सामने, पर थोड़ा लेट हो गए हैं जिसकी वजह से एक पैका मर गया है। पैका मर गई है, मर नहीं गया, लड़की है गाइस, वो फीमेल है। रेज और वार्डन एबिलिटी दोनों एक साथ, ये तो कमाल की बात है। आइस गोलम से भिड़ रहे हैं यहां पे पैकास, और आइस गोलम ने लेनी कर दिया गाइस यहां पे। किंग घुस गया है TH कंपार्टमेंट में, पर TH अभी वो केवल नहीं है उसके लिए। एक दूसरे कंपार्टमेंट में से रॉयल चैंपियन आ चुकी है, फ्रीज किया गया TH को, रॉयल चैंपियन को फ्रीज किया गया, हेड हंटर उतारे गए हैं रॉयल चैंपियन को मारने के लिए। TH को टेक डाउन करने की कोशिश यहां पे जारी है, TH निकाल लिया गया है। पीछे की तरफ काफी हैवी डिफेंस यहां पे हमको नजर आ रहा है। RC की एबिलिटी जा चुकी है, एक फ्रीज और लगा दिया है, और वो कंपार्टमेंट बहुत हैवी है एक्चुअल में, हैवी स्कैटर शॉट है वहां पे। मल्टी आर्चर टावर है, एक्सबो है, 3 टेस्ला हैं, बस क्वीन के पास एबिलिटी है, बाकी कुछ ज़्यादा खास आर्मी यहाँ पे बची नहीं है। टाइम अच्छा खासा है, टोर्नेडो निकल चुका है, किंग मर चुका है, फीनिक्स बार आ चुका है, क्वीन यहाँ पे फंस हुई है, अप्रेंटिस वार्डन मर चुका है, आखिरी रॉयल चैंपियन ही अब यहाँ पे जान बचाने का काम करेगी, टेक डाउन करेगी यहाँ पे। और भाई, इस बेस को 3 सितारे चमकाने का काम मुझे लग रहा है कि बांध दिया जाएगा। देखो, दीवार खुली हुई है, पर क्वीन अपनी बुद्धि और पगलेट बुद्धि का इस्तेमाल लगाते हुए दीवार तोड़ने में लगी हुई है।
बड़ा बुरा लगता है कभी कभी क्वीन की ऐसी हालत देख के। अगले अटैकर यहाँ पे अरुण एपी, एपी ढिल्लो, दो स्केलेटन एक हील, दो रेस तीन फ्रीज, आर्मी रेस टावर में से एंट्री दिलाना चाह रहे हैं आर्मी को, इतना तो मुझे समझ में आ गया। चार वल्करीज बची है, उनको भी उतार दिया जाएगा मेन आर्मी के साथ। क्वीन यहाँ पे एबिलिटी गवा चुकी है, रेज लगाई है, एक हील लगाई है, वार्डन एबिलिटी नहीं लगाई है। वार्डन एबिलिटी शायद दूसरे रेज टावर के लिए बचाना चाह रहे हैं, अच्छी बात है। नहीं, पहले ही लगा दी है, आइस गोलम पे फंस गई थी आर्मी, इसलिए सुपर मिनियन यहाँ पे कुछ डिफेंसेस को टेक डाउन करने का काम कर रहे हैं। एक रेज लगा दी है टाउन हॉल कंपार्टमेंट में, एक स्केलेटन लगा दी है, फ्रीज लगा दी है, अटैक काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, पर यहाँ पे ग्राउंड स्केलेटन्स, टेस्ला और बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं परेशान करने के लिए। टी एच को टेक डाउन करने के बाद मोनोलिथ को भी निकाल लिया गया, ओपोनेंट के किंग को भी निकाल लिया जाएगा, अपने किंग के पास एबिलिटी अभी भी है, और देख करके लग रहा है कि ओम भूर भट्ट स्वाहा इस बेस का कर दिया जाएगा। बी एफ डब्ल्यू अरुण एपी एपी डिल्लो के फैन के द्वारा किंग के पास अभी भी एबिलिटी है, डेढ़ मिनट से ज़्यादा का टाइम बचा है, भूत बना के रख दिया है गाइस इस बेस का, पर ट्रिपल बाउस सारा मारना होगा तभी इस वॉर को निकाला जा सकता है। समय है गाइस अपने अटैक करने का, ओवरग्रोथ स्पेल के साथ मुझे मजा आ रहा है आजकल, इसलिए मैंने वापस से ओवर वाली ग्रोथ स्पेल बना ली, और मेरा टारगेट है अंडर 2 मिनट्स के अंदर ट्रिपल मारना या फिर 1.5 मिनट के अंदर ट्रिपल मारना। ट्रिपल मारना टारगेट नहीं है, 1.5 से 2 मिनट के अंदर ट्रिपल होना चाहिए, तभी फायदा है आपके अटैक का। फिलहाल मेरी आर्मी यहाँ पे पॉइजन टावर के अंदर थोड़ा फंस के चल रही है, ऑर्डन एबिलिटी लगा देते हैं, रॉयल चैंपियन भी उतार देते हैं क्योंकि अटैक फास्ट करना है, बाद के लिए नहीं बचाना है। आर्मी फंस गई है यहाँ पे, रूट स्पेल का इस्तेमाल करेंगे थोड़ी देर में रेस टावर से बचने के लिए, टीएच के पास जो रेस टावर है उससे बचना है। चलो जी, टाउन हॉल बचाए, अगर टाउन हॉल के साथ हमको बाहर से डैमेज ना पड़े। अरे यार ग्राउंड स्केलेटन आ गई, रॉयल चैंपियन मेरी फंसी रहेगी लग रहा है बहुत देर तक यहाँ पे, ये तो अच्छी बात नहीं है, सिस्टम बिगड़ गया गाइस, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब तो टाइम लगेगा अटैक में, रॉयल चैंपियन को टीएच जल्दी टेक डाउन करना था, पर अभी भी ग्राउंड स्केलेटन्स में फंसी हुई है बेचारी। कोई बात नहीं, चलो क्वीन को रफ्तार पकड़ाते हैं, रेज लगाते हैं, किंग एबिलिटी भाग चुकी है, ज़्यादा कुछ खास बेस में बचा नहीं है, अब तो बैठ के तमाशा देखने वाली बात है। पर मैं अटैक से खुश नहीं क्योंकि 1.5 मिनट में ट्रिपल नहीं हुआ, 2 से भी ज़्यादा लग गई, क्योंकि इधर वाला कंपार्टमेंट में आते आते जो फंस गई ना मेरी रॉयल चैंपियन, किंग को आना चाहिए था टीएच पे, अगर टीएच आ जाता पे किंग आ जाता तो जाइंट गॉन्टलेट के साथ वो सारे स्केलेटन पे स्केलेटन सब कुछ उड़ा देता, फिर रफ्तार अच्छी रहती इस अटैक की भी। और भाई अब अपने फाइनल अटैक में ना मैंने सोच लिया है कि अब मैं इलेक्ट्रो ड्रैगन पे ही आऊँगा, अपने प्यारे इलेक्ट्रो ड्रैगन्स को मैंने बुलाया है बातचीत करके कि मेरे भ्राता श्रीयों मेरी सहायता करें, किंग उतार दिया टीएच के लिए, अब आ जाओ ग्राउंड स्केलेटन जितने मर्जी आने हैं, मेरा जायंट गोंटलेट फाड़ के रख देगा सब कुछ। ओहो इलेक्ट्रो ड्रैगन भटक गए हैं थोड़ा, टीएच कंपार्टमेंट में आ गए हैं, ये मेरा प्लान नहीं था, इधर नहीं आना चाहिए था उनको, चेन डैमेज नहीं पड़ रहा है मोनोलिथ को, ओहो अब पड़ा है। चलो करबला सो हो बला, एक रेज और लगाते हैं यहाँ पे,
अबे यार पॉइजन टावर रह गया, फ्रीज कर देना चाहिए था उसको भी। वो फ्रीज होता तो ये एक्सबो भी निकल जाती। कोई बात नहीं गाइस, अभी रॉयल चैंपियन है हमारे पास, मात्र 2 मिनट का टाइम हुआ है, रॉयल चैंपियन को डाल दूंगा तो और भी जल्दी ट्रिपल हो जाएगा ये। मतलब 1 मिनट 10 सेकंड हुई है सिर्फ अभी अटैक करते हुए हमें, पर अब मेरा रॉयल चैंपियन डालने का मन नहीं, अब मैं उसे स्वैग करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हुई है पिछले अटैक की भरपाई, रॉयल चैंपियन स्वैग भी हुई है और 1.5 मिनट से पहले ट्रिपल भी हुआ है। ज्यादा अटैक गाइस मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया इस वॉर के अंदर, क्योंकि अलग अलग टाइम पे बंदों ने अटैक कर दिए थे। तो फाइनल हमारा स्कोर जो बना इस वॉर में 41 स्टार बना, 38 स्टार पे हमने अपोनेंट किलन को हरा दिया। 2 वॉर हमारे हैं, एक आखिरी वॉर जो बचा हुआ है। अपोनेंट किलन बहुत जबरदस्त है, वो किलन भी रैंक 2 पे वही किलन चल रहा है, 45-45 स्टार भी मार रहा है मेरे ख्याल से शायद किसी किसी किलन को। तो हमारी कोशिश रहेगी उसको जाते जाते जरूर पेल के जाएं अगले वॉर के अंदर। अगली वीडियो में मैं आपसे मिलूंगा उसी किलन के सामने, चाहे हारे या जीते मैं आपको रिजल्ट जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, साथ में ध्यान रखें अपने प्यारे माता पिता का भी। बाय।